Hello children, how are you all? I hope you all are very fine. So I am your teacher Pooja Sahani with your book Grammar Glitter Odyssey by Brain Root series. और आज हम करने वाले हैं chapter number 14. And the chapter number 14 is more verbs. अभी तक बच्चों previous chapters में हमने किए verbs और उसके बाद हमने करी हेल्पिंग वर्ब्स इज आर एम वॉज एंड वर. अब यहाँ पर है मोर वर्ब्स जैसे कि हैज हैव हैड डू डज एंड डिड. सो चलिए मैं बताती हूँ इनका यूज कहाँ कहाँ पर करना है. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज हैव हैड टू कंप्लीट दिस कॉन्वर्जेशन बिटवीन हर्षिता एंड हर ब्रदर आयुष. ओके, सो यहाँ पर हमें एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है बच्चों. उससे पहले मैं आपको बताती हूँ हैज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर पर्सन के लिए. ओके, सिंगुलर थिंग, सिंगुलर पर्सन. ओके, तो जो सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं हैज़. हैव हम यूज़ करते हैं प्लूरल, प्लूरल के लिए, यू के लिए एंड आई के लिए. ये या आपको याद रखना है, आई के साथ हम कभी भी हैज़ का यूज़ नहीं करते. You and I के लिए हम हमेशा use करते हैं have. Okay? So आपको बच्चों ये याद रखना है कि has हम किसके लिए use करते हैं, singular. Okay? And have हम use करते हैं you, I and plural. और had क्या होता है, had होता है बच्चों पास्ट टेंस ऑफ हैज एंड हैव. हैज एंड हैव का पास्ट टेंस जब हमें शो करना है तब हम उसके लिए हैड यूज करते हैं, राइट. चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज हैव हैड टू कंप्लीट दिस कन्वर्सेशन बिटवीन हर्षिता एंड हर ब्रदर आयुष. आई विश आई कुड हैव अ न्यू स्टोरी. काश मेरे पास एक नई स्टोरी बुक होती, सेट सोना. आई वॉन्ट अ सेट लाइक प्राचीज, शी हैज अ ब्यूटिफुल सेट ऑफ फेरी टेल्स, शी डिक्लेयर्ड. ओ बट यू ऑलरेडी हैड अ न्यू बुक, बट यू ऑलरेडी हैव अ न्यू बुक. लेकिन आपके पास तो ऑलरेडी एक न्यू बुक है. अंकल देव गेव यू वन फॉर योर बर्थडे लास्ट वीक. लास्ट वीक अंकल देव ने एक आपको आपके बर्थडे पर दी थी, सेट आयुष. ओ यस, आई गॉट सो मैनी प्रेजेंट दैट डे. आई हैड नो टाइम, मेरे पास टाइम ही नहीं था टू सी इट प्रॉपरली, इसे ठीक से देखने के लिए. अब टाइम नहीं था तो हमने क्या यूज करा वहां पर, हैड. ओके, सो हैज हैव हैड बच्चों हम जनरली तब यूज करते हैं जब हम ये दिखाते हैं कि हमारे पास या किसी के पास कुछ है. आई हैव अ कार, शी हैज अ कार. ओके, दे हैव अ कार, यू हैव अ कार. सो हमारे पास कुछ है और जब हम उसका पास्ट टेंस दिखाना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं हैड का. ओके, चलिए आगे चलते हैं. सो हैज हैव हैड आर वर्ब्स. ये वर्ब्स हैं जो बताती हैं दैट अ पर्सन और एनिमल ओन्स, हैज और ईट्स. ओन्स मतलब कुछ उसके पास अपना है, हैज मतलब कि उसके पास कुछ है, और ईट्स खाने के लिए भी हम हैज और हैव का यूज कर सकते हैं. लाइक आई एम हैविंग माई डिनर, मैं अपना डिनर ले रहा हूँ, खा रहा हूँ. ओके, सो राहुल हैज अ बैट. राहुल के पास क्या है, एक बैट. सो राहुल का बैट है वो, तो राहुल ओन्स इट. ओके, सो यहाँ पर हैज से पता चल रहा है कि राहुल के पास एक बैट है. तन्मय एंड महेश हैव थ्री बैट्स. तन्मय और महेश के पास थ्री बैट्स हैं, मतलब तन्मय और महेश ओन करते हैं कितने बैट्स को, तीन बैट्स को. दे हैड फाइव बॉल्स, उनके पास पांच बॉल्स थी. ओके, सो हैज इज यूज विद अ सिंगुलर नाउन and he and she. It refers to the present time. Has किसे दिखाता है बच्चों, present time को. ये मैंने आपको अभी पहले बताया है कि has किसके साथ use होता है, singular noun के साथ, and he and she. It refers to the present time.
हैव इज यूज्ड विद आई एंड ऑल प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउन्स. इट ऑल्सो रेफर्स टू द प्रेजेंट टाइम. ये भी किसे बताता है बच्चों? प्रेजेंट टाइम को. हैड शोज वॉट समवन हैड इन द पास्ट. ओके, हैड ये दिखाता है कि किसी के पास पास्ट में क्या था. राइट, जैसे दे हैड फाइव बॉल्स, उनके पास क्या थी? फाइव बॉल्स. इट इज यूज विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउन्स. सिंगुलर में भी हैड यूज होता है और प्लूरल में भी बच्चों हम हैड का ही यूज करते हैं. नाउ रीड दिस टेबल केयरफुली. हैज, हैव, हैड, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ही हैज, आई हैव, आई हैड. ओके, शी हैज, वी हैव, वी हैड. इट हैज, दिस हैज, दैट हैज, यू हैव, दे हैव, दीज, दोज हैव, बिकॉज दीज और दोज भी क्या है? प्लूरल प्रोनाउंस. यू हैड, शी हैड, ही हैड, दीज, दोज हैड. ओके, सो प्लीज रीड दिस टेबल केयरफुली एंड लर्न इट ऑल्सो. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइज ए इज फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज, हैव और हैड. द प्लांट्स डैश न्यू लीव्स. लीव्स, सो द प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा द प्लांट्स हैव न्यू लीव्स. आई डैश अ न्यू आइडिया फॉर द एग्जीबिशन. आई के साथ हमेशा क्या आता है बच्चों? हैव. आई हैव अ न्यू आइडिया फॉर द एग्जीबिशन. द किंग डैश अ न्यू पैलेस. अब किंग सिंगुलर है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? हैज. फातिमा डैश पास आउट पेपर्स येस्टरडे. अब कल की बात हो रही है, जो कल चला गया, तो पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा हैड. ओके, टुनाइट, आज रात कैटी विल डैश हर बर्थडे पार्टी. कैटी विल हैव हर बर्थडे पार्टी. ओके, कैटी विल हैव हर बर्थडे पार्टी. वी हैव फन विद आर फ्रेंड्स ईच डे. सो बच्चों, अब आपके दिमाग में यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैटी तो एक सिंगुलर है, मैंने यहाँ पर हैव क्यों लगाया? बिकॉज यहाँ पर एक तो हम विल का यूज कर रहे हैं, सो कभी भी विल हैज, शेल हैज नहीं होता, विल हैव ही होगा. सो कैटी विल हैव हर बर्थडे पार्टी. ही डैश अ न्यू डॉग नेम्ड मैक्स. ही हैज, क्योंकि अभी भी वो डॉग उसके पास है. प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर हैज लगाएंगे. लास्ट मंथ दे डैश अ ग्रेट हॉलीडे. लास्ट मंथ की बात हो रही है, सो दे हैड अ ग्रेट हॉलीडे. द चाइल्ड हैज अ सॉफ्ट पिलो. सॉफ्ट पिलो, पिलो किसे कहते हैं? तकिया. ओके, तो चाइल्ड के पास क्या है? अ सॉफ्ट पिलो. लास्ट मंथ, अब पिछले महीने की बात हो रही है, जॉन्स एंड जेनी हैड. अब चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड ही लगता है. जॉन्स एंड जेनी हैड फन रोलर स्केटिंग. ओके, सो आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी. राइट, तो चलिए बी एक्सरसाइज पे चलें बच्चों. ठीक है, टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच सेंटेंस. ममता डैश अ टेरिबल फीवर लास्ट नाइट. अब पिछली रात की बात हो रही है, तो क्या आएगा यहाँ पर? हैड अ टेरिबल फीवर. रजत डैश अ शावर इन द मॉर्निंग. रजत हैज अ शावर इन द मॉर्निंग. अनुज एंड अवि डैश स्कूल टुमारो. अनुज एंड अवि हैव स्कूल टुमारो. द बटरफ्लाई डैश ब्यूटिफुल विंग्स. बटरफ्लाई एक है, सो हैज ब्यूटिफुल विंग्स. आई के साथ तो हैव ही लगेगा. आई हैव डांस क्लास ऑन मंडे. सो प्लीज आप इसको मेरे साथ साथ टिक करते जाइएगा. ओके, चलिए आगे चलते हैं. नाउ अब हमारा हैज, हैव, हैड आपको क्लियर है. हैज सिंगुलर प्रोनाउन के साथ प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है. हैव भी प्रेजेंट को रेफर करता है, बट हम उसे यूज करते हैं आई के साथ, यू के साथ और प्लूरल प्रोनाउन के साथ. और हैड हम कब यूज करते हैं? जब हमें पास्ट की बात करनी होती है. और इन तीनों का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट है उसका कुछ अपना है, उसके पास कुछ है. अब हम यहाँ पर करने वाले हैं बच्चों डू, डस और डिड. ओके, सो ये आपको इंटरप्रिटेशन बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है. सबसे पहले आप इसी चीज़ को समझें कि जो डिड है वो पास्ट टेंस ऑफ डू एंड डस. ओके, डिड इज पास्ट टेंस ऑफ डू एंड डस.
डू और डज हम कब यूज करते हैं? जब हमें प्रेजेंट की बात करनी है, आज की बात करनी है. ओके और डिड हम कब यूज करते हैं? जब हमें पास्ट की बात करनी होती है. सो रीड दीज सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द वर्ब्स. आपको वर्ब्स को अंडरलाइन करना है. आई डू माई होमवर्क इन द इवनिंग. सो यहाँ पर क्या कर शाम को होमवर्क के साथ क्या करता हूँ? मैं करता हूँ. अंडरलाइन डू इज द वर्ब हेयर. रमन डज हिज वर्क वेरी नीटली. रमन अपना काम बहुत नीटली करता है. यामिनी डिड हर सम लास्ट नाइट. अब देखो लास्ट नाइट आया, पिछली रात की बात हो रही है, जो रात चली गई, तो यहाँ पर हमने क्या यूज करा? डिड. माई नेबर्स डैश देयर एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग. डू देयर एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग. नोटिस करें आप दैट द वर्ब्स यू हैव अंडरलाइन शो वॉट डिफरेंट पीपल आर डूइंग, राइट? कि ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं. आई डू माई होमवर्क इन द इवनिंग. रमन डज हिज वर्क वेरी नीटली. यामिनी डिड हर सम लास्ट नाइट. माई नेबर्स डू देयर एक्सरसाइजेस अर्ली इन द मॉर्निंग. तो इन वर्ब से ये पता चलता है कि डिफरेंट पीपल क्या कर रहे हैं. तो वी कैन से दैट डू डज डिड आर वर्ब्स दैट शो वॉट डिफरेंट पीपल आर डूइंग और हैव डन. कि डिफरेंट पीपल क्या कर रहे हैं और क्या कर चुके हैं. We use do and does to show action that happen regularly. जो action regular होते हैं उनके लिए हम use क्या करते हैं बच्चों? Do and does. We use did to refer to the action that had already taken place. मतलब ये use होता है for present और ये use होता है past. Okay? जो action had That had already taken place. जो काम हो चुका है उसके लिए हम कहते हैं did, right? चलिए आगे चलें. So the C exercise, fill in the blanks using do, does or did. हम इसे करेंगे और आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा. Dash you want to play? ये question पूछा जा रहा है. Okay, so क्या लगेगा you के साथ? अच्छा, आपको ये भी मैं बताऊं, does हमेशा use होता है. Does सिंगुलर, ओके, एंड डू यू के साथ, वी के साथ एंड प्लूरल. ओके, सो आपको ये याद रखना है कि यू के साथ हमेशा क्या यूज होगा बच्चों? डू. डू यू वॉन्ट टू प्ले? शी डैश हर वर्क येस्टरडे. सो कल की बात हो रही है, येस्टरडे की, जो चला गया. So, यहां पर आएगा शी डिड हर वर्क येस्टरडे. डैश यू लाइक टू प्ले गिटार? सो डू यू लाइक टू प्ले गिटार? ओके. डैश दे लाइक द फूड यू प्रिपेयर्ड फॉर देम. सो डिड दे उनको फूड पसंद आया यू प्रिपेयर्ड फॉर देम, जो तुमने तैयार किया था. मतलब उन्होंने वो फूड खा लिया. तो हम क्या बोलेंगे यहां पर? खा लिया, तो पास्ट की बात हो गई. So, did they like the food you prepared for them? Dash, you really want to know the reason? Do you really want to know the reason? क्या आप सच में reason जानना चाहते हैं? What dash your sister do? आपकी बहन क्या करती है? So, यहाँ पर क्या आएगा? What does? Okay? Because does क्यों आएगा? क्योंकि sister क्या है? Singular, right? So, sister is a singular नाउन. सो यहाँ पर हमने यूज करा है डस. ओके बच्चों, नाउ मेक सेंटेंसेस विद दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू शो वॉट डिफरेंट पीपल डू एवरी डे. यू कैन बी फनी एंड इमेजिनेटिव. चलिए करते हैं. माई फ्रेंड डस हिज होमवर्क डेली. ओके, सो ग्रैंडमा डिड cleaning grandma did cleaning yesterday. Okay, we did our project last week. We did our project last week. Okay, my sister does
डांस एवरी इवनिंग. ओके, सो इस तरह से हम कुछ भी सेंटेंस बच्चों बना सकते हैं. या यस, सो अब ये दोनों मैं आपको होमवर्क में देती हूँ. यू विल मेक इट योरसेल्फ. ओके, आई एम स्टार्टिंग विद की एक्सरसाइज. मैच कॉलम्स ए एंड बी करेक्टली टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. सो आपको यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके, सो आई डू, आई के साथ डज नहीं आएगा बच्चों, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग विद नंबर वन. हर्ष डज रेगुलर एक्सरसाइज. आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टूडे. वी हैड अ वंडरफुल टाइम एट गेट टूगेदर. और Do you know any good painter in town? I do a lot of experience in traveling. Okay, बच्चों, so आपको ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर do, does, did और has, have, had को use करते हैं. So आपको ये याद रखना है बच्चों कि जो has है, has, does, ये हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होगा. ओके, हैव डू हमेशा प्लूरल के लिए, और ये किसे शो करेंगे? प्रेजेंट को. ओके, किसे शो करेंगे बच्चों? ये प्रेजेंट को. ओके, हैड प्लस डिड ये किसे शो करते हैं? किसे शो करते हैं? ये पास्ट. ओके, सो ये किसे शो करते हैं? पास्ट. बट रिमेंबर, यू के साथ हमेशा क्या यूज होगा? डू और क्या यूज होगा? हैव. ओके, आई के साथ हैव. ये मैं आपको यहां पर प्रेजेंट की बात बता रही हूं, जब हम बात कर रहे होंगे प्रेजेंट की. ओके, पास्ट के लिए सबके साथ ही क्या यूज होगा बच्चों? हमेशा हैड प्लस, या फिर क्या यूज होगा? हैड या डिड. ओके, सो आपको ये याद रखना है. ओके, सो आई होप दैट वट एवर आई टोल्ड यू आपको समझ में आ गया होगा. ओके, चलिए, टॉपिक इज नैरेटिव राइटिंग. अब नैरेटिव राइटिंग क्या होता है बच्चों? नैरेटिव राइटिंग एक कॉम्पोजिशन होती है वेयर यू टेल द रीडर, जब जहाँ पर हम पढ़ने वाले को ये बताते हैं अबाउट योर ओन एक्सपीरियंस, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में, राइट, जो हमें अनुभव हुए हैं, एक्सपीरियंस हुए हैं. यू शुड कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड वाइल राइटिंग योर कॉम्पोजिशन. सो जब हम अपनी कॉम्पोजिशन बनाएं, हमें कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना चाहिए. ये वो पॉइंट्स हैं सारे. लेट्स सी. देयर शुड बी अ प्रॉपर बिगनिंग एंड अ लॉजिकल एंडिंग. बिगनिंग हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, और एंडिंग हमेशा लॉजिकल होनी चाहिए. ओके, ऐसा नहीं हो कि कुछ भी एंडिंग कर दिया आपने. लॉजिकल मतलब टॉपिक से रिलेटेड एंडिंग होनी चाहिए. डेवलप द स्टोरी लाइन वेल. और जैसे जैसे हम अपना एक्सपीरियंस बताना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हम आगे जाते हैं, तो हमें उस स्टोरी लाइन को, जिससे कि पढ़ने वाले को मज़ा आए, उसे डेवलप करना चाहिए, राइट. अच्छे तरीके से हमें अपनी स्टोरी लाइन को लिखना चाहिए. डिस्क्राइब द इवेंट्स एंड एक्शंस क्लियरली. हमें जो भी इवेंट्स हुए हैं हमारे साथ, या जो भी हमने किया है, एक्शंस भी, उन सबको हमें क्लियरली डिस्क्राइब भी करना है. Do not make the composition very lengthy. हमें अपनी composition को बहुत लंबा नहीं बनाना है. Okay? Give a suitable heading to your composition. Last but not the least, very important, कि हमें अपने composition को एक suitable heading भी देना है. So, यहाँ पर मैं आपको एक example दिखा रही हूँ narrative composition का. Okay. सो दिस इज द नैरेटिव कॉम्पोजिशन. अब देखिए यहाँ पर हेडिंग है एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, जो सोचा ना हो वैसी हॉलीडे. ओके, लास्ट मंडे आई वोक अप टू अ डार्क एंड ओवरकास्ट
sky. It had rained throughout the night and it was raining steadily now. अभी भी बारिश हो रही थी, पूरी रात भी बारिश होती रही थी. The streets were waterlogged and a handful of people were hurrying across wrapped in raincoats. ओके, सो मतलब गलियों में भी पानी भर गया था और कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी रोड क्रॉस कर रहे थे. उन्होंने क्या पहना हुआ था? रेनकोट्स. आई वॉज ओवरजॉयड, मैं बहुत खुश था. एट दिस रेन मेंट आई वुडंट हैव एनी स्कूल. इस बारिश का मतलब था कि मेरा कोई स्कूल आज नहीं था. पापा एंड मम्मी कुडंट गो टू वर्क ईदर एंड इवन ब्रदर भैया स्किप्ड कॉलेज. भैया ने भी अपना कॉलेज स्किप किया और पापा और मम्मा भी अपने काम पर नहीं जा सके. आई फिनिश्ड माई होमवर्क इन अ जिफी एंड सेटल डाउन टू प्ले चेस विद माई फादर. मैंने बहुत जल्दी जल्दी अपना होमवर्क कम्प्लीट किया और मैं अपने फादर के साथ चेस खेलने बैठ गया. सून ब्रदर एंड मम्मी जॉइंड अस. मम्मी और ब्रदर ने भी हमें ज्वाइन किया. वी फॉर्म टू टीम्स, पापा एंड ब्रदर एंड मम्मी एंड आई. हमने दो टीम बनाई, पापा और भैया की, मम्मी और मेरी. ऑफकोर्स माई टीम वॉन. येस, मेरी टीम जीत गई. आफ्टर द गेम आई सेटल डाउन बाय द विंडो टू रीड माई न्यू बुक. मैं विंडो के पास सेटल हो गया और अपनी बुक को पढ़ने के लिए. द पार्क ऑपोजिट माई हाउस लुक्ड फ्रेश एंड ग्रीन. जो मेरे घर के ऑपोजिट जो पार्क था वो कैसा दिख रहा था? फ्रेश एंड ग्रीन. ऑल द ट्रीज वर स्विंग वाइंडली इन द विंड. हवा में वो झूल रहे थे, ओके, हिल रहे थे बहुत अच्छे से. आई वंडर्ड इफ दे वुड ब्रेक. मुझे ऐसा लग रहा था कि वो गिर जाएंगे. ओके, आफ्टर अ डिलीशियस लंच. एक डिलीशियस लंच के बाद आई नैप्ड फॉर अ वाइल. मैं थोड़ी देर सोया. इन द आफ्टरनून व्हेन द रेन हैड स्टॉप्ड फॉर अ वाइल. जब बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी, आई नोटिस सम चिल्ड्रन स्प्लैशिंग अबाउट इन द पार्क. सो कुछ बच्चे स्प्लैशिंग, जो हम पानी में छपाक छपाक नहीं करते हैं, वो कर रहे थे पार्क में. दे लुक्ड लाइक दे वर हैविंग ग्रेट फन. ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था. आई विश्ड आई कुड गो टू. काश मैं भी जा सकता, बट मम्मी वुडंट लेट मी. लेकिन मम्मी मुझे जाने नहीं देती. इन द इवनिंग वी ऑल सेट इन द लिविंग रूम. हम सब लिविंग रूम में बैठे एंड पापा टोल्ड अस फनी स्टोरीज. और पापा ने हमें क्या सुनाया? फनी स्टोरीज. आई एंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच. मैंने खुद बहुत इंजॉय किया. इट वॉज अ वंडरफुल अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे. ये कैसी थी? वंडरफुल अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे. सो बच्चों, जैसे इसमें उस बच्चे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, किसका? एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे मिली, बिकॉज हॉलीडे तो नहीं थी, बारिश की वजह से हो गई. तो उसने अपना एक्सपीरियंस ऐसे शो करा. इस तरह से बच्चों आप भी अपना एक्सपीरियंस इस तरह की कॉम्पोजिशन में शो कर सकते हैं, राइट? चलिए मैं आपको कुछ टॉपिक देती हूँ. राइट शॉर्ट कॉम्पोजिशंस ऑन दीज टॉपिक्स. इन टॉपिक्स पर आपको शॉर्ट कॉम्पोजिशंस लिखने हैं. आपको बिगनिंग और एंडिंग का भी ध्यान रखना है. आपको उसे हेडिंग देना है. आपको अपनी स्टोरी लाइन ठीक से डेवलप करनी है, राइट? जितने भी एक्शंस और इवेंट्स आप अपनी कॉम्पोजिशन में लिखने वाले हैं वो भी क्लियरली डिस्क्राइब होने चाहिए, ओके? सो बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं आपने उसे बनाना है. सो आपको सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रखते हुए इन टॉपिक्स पर शॉर्ट कॉम्पोजिशन लिखनी है. सो द नंबर वन टॉपिक इज अ मेमोरेबल जर्नी. एक आपकी ऐसी जर्नी, एक ऐसी यात्रा जो आपको याद हो, बहुत अच्छे से याद हो, ओके? द स्कूल कॉन्सर्ट. कोई आपके यहाँ स्कूल में कॉन्सर्ट हुआ हो, कोई कॉम्पिटिशन हुआ हो. द ग्रीडी डॉग, लालची डॉग, ओके? एंड अ थर्स्टी क्रो, प्यासा कौआ. ये तो एक बहुत फेमस स्टोरी है, अ थर्स्टी क्रो. सो आप इस स्टोरी को पढ़ सकते हो और उसके बाद अपने तरह से उसे कॉम्पोजिशन के लिए लिख सकते हो, ओके? सो प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग नाउ, ओके? एंड प्रैक्टिस इट. सो आपकी राइटिंग स्किल क्या होगी बच्चों? डेवलप हो जाएगी इससे. आपको सिर्फ पॉइंट्स माइंड में रखने हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है, ओके? थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.